भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को वर्ष 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद एवं उनकी कृपा सदैव आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर सदैव बनी रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि वर्ष 2023 में मुख्य व्रत एवं त्यौहार कब कब रहेंगे, इनकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रदान करने जा रहे हैं। क्योंकि हमारे भारतीय सनातन पद्धति में त्योहारों का बहुत अधिक महत्व होता है और त्योहारों की हम पहले से जो है तैयारी करके रखते हैं और उनके अनुसार हमारी कार्य योजना तैयार होती है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि वर्ष 2023 में जनवरी से लेकर के दिसंबर तक कौन कौन से प्रमुख त्यौहार कब कब रहेंगे, इनकी तारीख क्या रहेगी। तो ये संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रदान करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, ताकि ये महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। जनवरी माह के यदि हम त्योहारों की बात करें तो जनवरी माह में 2 जनवरी 2023 को पुत्रदा एकादशी का व्रत रहेगा तथा 4 जनवरी को प्रदोष का व्रत रहेगा एवं 6 जनवरी को स्नान दान व्रत तथा पोषी पूर्णिमा का व्रत रहेगा। 10 जनवरी को संकटा गणेश चतुर्थी का व्रत रहेगा, जिसे तिल चौथ माघी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर्व रहेगा, लेकिन मकर संक्रांति का पर्व काल पुण्यकाल 15 जनवरी 2023 को रहेगा। 18 जनवरी को षट्तिला एकादशी का व्रत रहेगा, वहीं 19 जनवरी को तिल द्वादशी प्रदोष का व्रत रहेगा एवं 20 जनवरी को शिव चतुर्दशी, जिसे मासिक शिवरात्रि व्रत कहा जाता है। 21 जनवरी को स्नान दान श्राद्ध की मौनी अमावस्या रहेगी और 25 जनवरी को तिल चतुर्थी, कुंद चतुर्थी, विनायक की चतुर्थी मनाई जाएगी। वहीं 26 जनवरी को मां सरस्वती का प्रागट्य दिवस बसंत पंचमी का महापर्व रहेगा, जिसे विवाह के लिए समस्त शुभ कार्यों के लिए अभूज मुहूर्त माना जाता है। 27 जनवरी को शीतला षष्ठी रहेगी, वहीं 28 जनवरी को अचला सप्तमी, रथ सप्तमी तथा मां नर्मदा जी का प्रागट्योत्सव यानी नर्मदा जयंती महापर्व मनाया जाएगा। वहीं 29 जनवरी को भीष्माष्टमी रहेगी, वहीं 30 जनवरी को महानंदा नवमी रहेगी। यदि हम जैन संप्रदाय के व्रतों की बात करें तो 4 एवं 31 जनवरी को रोहिणी व्रत रहेगा, 6 जनवरी को षोडश करण व्रत आरंभ होगा, 20 जनवरी को भगवान ऋषभदेव निर्वाणोत्सव मनाया जाएगा, 26 जनवरी को दश लक्षण पर्व आरंभ होगा, 26 एवं 30 को पुष्पांजलि व्रत संपन्न किया जाएगा। इस प्रकार ये जो व्रत हमने आपको बताए हैं, त्यौहार ये बताए हैं, वो जनवरी 2023 के बताए हैं। अब फरवरी 2023 की यदि हम बात करें, 1 फरवरी को जया एकादशी, अजा एकादशी, भीष्म एकादशी व्रत रहेगा, 2 फरवरी को तिल द्वादशी, भीष्म द्वादशी प्रदोष का व्रत रहेगा, 5 फरवरी को स्नान दान व्रत तथा माघी पूर्णिमा रहेगी, 9 फरवरी को गणेश चतुर्थी का व्रत रहेगा, 13 फरवरी को सीताष्टमी रहेगी, 16 फरवरी को विजया एकादशी व्रत रहेगा, 18 फरवरी को प्रदोष का व्रत रहेगा एवं इसी दिन महाशिवरात्रि व्रत भी रहेगा, 20 फरवरी को स्नान दान एवं श्राद्ध की अमावस्या रहेगी, इसी दिन सोमवती अमावस्या भी मनाई जाएगी, 21 फरवरी को चंद्र दर्शन होगा, 22 फरवरी को फुलरिया दोच मनाई जाएगी, 23 फरवरी को विनायकी चतुर्थी मनाई जाएगी। यदि जैन पर्व की यदि हम बात करें तो 3 और 5 फरवरी को रत्नत्रय पर्व रहेगा, 4 फरवरी को दश लक्षण पर्व समाप्त होगा, 6 फरवरी को षोडश कारण व्रत पूर्ण होगा, 27 फरवरी को अष्टान्निका व्रत आरंभ होगा,
28 फरवरी को रोहिणी व्रत रहेगा। श्वेतांबर जैन पर्व की यदि हम बात करें तो 4 एवं 19 फरवरी को पाक्षिक प्रतिक्रमण होगा। 26 फरवरी को चौमासी अट्ठाई आरंभ होगी। अब हम मार्च माह के मुख्य व्रत एवं त्योहार की बात करें तो 3 मार्च को आमल की रंग भरी एकादशी रहेगी। 4 मार्च को गोविंद द्वादशी रहेगी, इसी दिन प्रदोष का व्रत रहेगा। 7 मार्च को स्नान दान एवं व्रत की पूर्णिमा रहेगी, इसी दिन होली का दहन किया जाएगा। 8 मार्च को होली का उत्सव मनाया जाएगा, बसंतोत्सव इसी दिन मनाया जाएगा। 9 मार्च को भाई दूज रहेगी, चित्रगुप्त जी की पूजा इसी दिन संपन्न होगी। 10 मार्च को गणेश चतुर्थी रहेगी। 12 मार्च को रंग पंचमी होगी। 13 मार्च को एकनाथ छठ रहेगी। 14 मार्च को भानु सप्तमी। 15 मार्च को शीतलाष्टमी बासोरा रहेगा। 18 मार्च को पापमोचनी एकादशी व्रत रहेगा। वहीं 19 मार्च को प्रदोष व्रत वारुणी पर्व रहेगा। 20 मार्च को शिव चतुर्दशी का व्रत रहेगा तथा 21 मार्च को स्नान दान श्राद्ध की अमावस्या रहेगी। 22 मार्च को गुड़ी पड़वा नववर्ष आरंभ होगा। चैत्री नवरात्रि का पहला दिन इसी दिन रहेगा। 23 मार्च को चेटीचंड सिंघारा दो चंद्र दर्शन होगा। 24 मार्च को गणगौर तीज होगी, इसी दिन सौभाग्य सुंदरी व्रत भी किया जाएगा। 25 मार्च को विनायकी चतुर्थी का व्रत रहेगा। 29 मार्च को दुर्गाष्टमी महाअष्टमी का व्रत रहेगा। 30 मार्च को श्री रामनवमी महापर्व मनाया जाएगा, इसी दिन सभी भक्तजन रामनवमी का व्रत रखेंगे। अब हम आपको अप्रैल माह के मुख्य व्रत एवं त्योहार बताने जा रहे हैं। 1 अप्रैल 2023 को कामदा एकादशी व्रत रहेगा। 2 अप्रैल को मदन द्वादशी रहेगी। 3 अप्रैल को प्रदोष का व्रत रहेगा। 5 अप्रैल को रेणुका चतुर्दशी व्रत की पूर्णिमा रहेगी। 6 अप्रैल को स्नान दान पूर्णिमा तथा भगवान हनुमान जी महाराज का प्रागट्योत्सव मनाया जाएगा, जिसे हम हनुमान जयंती के नाम से भी जानते हैं। 8 अप्रैल को आसो दोज होगी। 9 अप्रैल को गणेश चतुर्थी व्रत होगा। 16 अप्रैल को वरुथनी एकादशी व्रत रहेगा। 17 अप्रैल को प्रदोष का व्रत रहेगा। 18 अप्रैल को शिव चतुर्दशी व्रत रहेगा। 19 अप्रैल को श्राद्ध की अमावस्या रहेगी। 20 अप्रैल को स्नान दान सत्वाई अमावस्या रहेगी। 21 अप्रैल को चंद्र दर्शन होगा। 22 अप्रैल को अबूझ मुहूर्त अक्षय तृतीया का पर्व रहेगा। 23 अप्रैल को विनायक की चतुर्थी का व्रत रहेगा। 27 अप्रैल को गंगा सप्तमी का पर्व रहेगा। वहीं 29 अप्रैल को जानकी जयंती सीता नवमी का पर्व रहेगा। अब हम आपको मई महीने के मुख्य व्रत एवं त्योहार बताने जा रहे हैं। मई माह में 1 मई 2023 को मोहिनी एकादशी का व्रत रहेगा। 3 मई को प्रदोष का व्रत रहेगा। 4 मई को नरसिंह चतुर्दशी रहेगी। 5 मई को स्नान दान व्रत की पूर्णिमा रहेगी, वैशाखी पूर्णिमा रहेगी, इसी दिन बुद्ध पूर्णिमा का व्रत भी रहेगा। 8 मई को गणेश चतुर्थी का व्रत होगा। वहीं 15 मई को अचला एकादशी अपरा एकादशी का व्रत होगा। 17 मई को प्रदोष का व्रत रहेगा। शिव चतुर्दशी का व्रत इसी दिन रहेगा। 19 मई को वट सावित्री अमावस्या, वट अमावस्या, और इस दिन व्रत की अमावस्या भी रहेगी, स्नान दान श्राद्ध की अमावस्या रहेगी तथा 21 मई को चंद्र दर्शन होगा। 22 मई को रंभा तीज का व्रत रहेगा। 23 मई को विनायक की चतुर्थी व्रत रहेगा। 29 मई को महेश नवमी का पर्व रहेगा, जिसे माहेश्वरी समाज मनाते हैं। 30 मई को गंगा दशमी, जिसे हम गंगा दशहरा के नाम से भी जानते हैं। 31 मई को निर्जला एकादशी का व्रत रहेगा। वहीं दिगंबर जैन पर्व की यदि हम बात करें तो 18 मई को शांतिनाथ जयंती व मोक्ष पर्व मनाया जाएगा। 21 मई को रोहिणी व्रत रहेगा। 24 मई को श्रुत पंचमी मनाई जाएगी। अब हम आपको बताएंगे कि जून माह के मुख्य व्रत एवं त्योहार कब कब रहेंगे। 1 जून 2023 को प्रदोष का व्रत रहेगा। 3 जून को वट सावित्री पूर्णिमा का व्रत रहेगा। 4 जून को स्नान दान की पूर्णिमा रहेगी। वहीं 7 जून को गणेश चतुर्थी का व्रत होगा। 11 जून को शीतलाष्टमी बासोरा मनाया जाएगा।
14 जून को योगिनी एकादशी रहेगी, 15 जून को प्रदोष का व्रत रहेगा, 16 जून को शिव चतुर्दशी का व्रत रहेगा, 17 जून को श्राद्ध की अमावस्या रहेगी, वहीं 18 जून को हलहारिणी स्नान दान की अमावस्या रहेगी। 19 जून से गुप्त नवरात्रि आरंभ होंगे। 20 जून को भगवान जगन्नाथ की यानी जगदीश जी की रथ यात्रा संपन्न होगी। 22 जून को विनायक की चतुर्थी व्रत रहेगा। 25 जून को वायवस्वत पूजा होगी। 27 जून को भल्ली नवमी, जिसे भल्ल्या नवमी के नाम से जाना जाता है। गुप्त नवरात्रि का समापन इसी दिन होगा। 28 जून को आशा दशमी रहेगी। 29 जून को देवशयनी एकादशी यानी हरिशयनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। वहीं 30 जून को वासुदेव वामन द्वादशी का पर्व मनाया जाएगा। अब हम आपको जुलाई माह के मुख्य व्रत एवं त्योहार बताने जा रहे हैं। 1 जुलाई 2023 को प्रदोष का व्रत रहेगा। इसी दिन मंगला तेरस विजया पार्वती व्रत मनाया जाएगा। 3 जुलाई को स्नान दान व्रत की पूर्णिमा रहेगी। इसी दिन गुरु पूर्णिमा रहेगी। 6 जुलाई को गणेश चतुर्थी का व्रत रहेगा। 7 जुलाई को मौना पंचमी नाग मरुस्थले मनाई जाएगी। 9 जुलाई को शीतला सप्तमी मनाई जाएगी। 13 जुलाई को कामिका एकादशी व्रत रहेगा। 15 जुलाई को प्रदोष का व्रत रहेगा। इसी दिन शिव चतुर्दशी मनाई जाएगी। 17 जुलाई को हरियाली अमावस्या सोमवती अमावस्या मनाई जाएगी। स्नान दान एवं श्राद्ध की अमावस्या इसी दिन रहेगी। 18 जुलाई को पुरुषोत्तम मास का आरंभ होगा। 19 जुलाई को चंद्र दर्शन रहेगा और 21 जुलाई को विनायक की चतुर्थी व्रत रहेगा। 29 जुलाई को कमला एकादशी रहेगी। 30 जुलाई को प्रदोष का व्रत रहेगा। और दिगंबर जैन पर्व की यदि हम बात करें तो 9, 2, 16, 23 एवं 30 जुलाई को रवि व्रत रहेगा। 3 जुलाई को अष्टान्न का व्रत समाप्त होगा। 4 जुलाई को वीर शासन जयंती मनाई जाएगी। 14 जुलाई को रोहिणी व्रत रहेगा। अब हम आपको अगस्त माह के मुख्य व्रत एवं त्योहार बताने जा रहे हैं। 1 अगस्त 2023 को स्नान दान व्रत की पूर्णिमा रहेगी। 4 अगस्त को गणेश चतुर्थी रहेगी। 12 अगस्त को कमला एकादशी व्रत रहेगा। 13 अगस्त को प्रदोष का व्रत रहेगा। 14 अगस्त को शिव चतुर्दशी व्रत रहेगा। 16 अगस्त को स्नान दान श्राद्ध की अमावस्या रहेगी। 18 अगस्त को चंद्र दर्शन सिंधारा दोज रहेगी। 19 अगस्त को हरियाली तीज मधुश्रवा व्रत स्वर्णागौरी व्रत एवं झूला प्रारंभ होगा। 20 अगस्त को दुर्वा विनायक की चतुर्थी व्रत रहेगा। 21 अगस्त को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। वहीं 27 अगस्त को पुत्रदा पवित्रा एकादशी का व्रत रहेगा। 28 अगस्त को प्रदोष का व्रत रहेगा और 30 अगस्त को भाई बहन का सबसे बड़ा त्योहार रक्षाबंधन मनाया जाएगा। इसी दिन श्रावणी पूर्णिमा का व्रत होगा, जिसे नारियल पूर्णिमा का व्रत भी कहा जाता है। 31 अगस्त को स्नान दान व्रत की पूर्णिमा रहेगी, जिसे कज्जलिया पूर्णिमा भी कहा जाता है। और श्वेतांबर जैन पर्व की यदि हम बात करें तो 15 अगस्त को पाक्षिक प्रतिक्रमण होगा। 21 अगस्त को मासघर होगा। 30 अगस्त को पाक्षिक प्रतिक्रमण होगा। अब हम आपको बता रहे हैं कि सितंबर माह के मुख्य व्रत और त्योहार कब कब रहेंगे। 2 सितंबर 2023 को कजरी तीज, जिसे सतवा तीज कहा जाता है। 3 सितंबर को बहुला गणेश चतुर्थी व्रत रहेगी। 4 सितंबर को गोगा पंचमी भाई भिन्ना व्रत रहेगा। 5 सितंबर को हर छठ हल षष्ठी का व्रत किया जाएगा। 7 सितंबर को प्रभु श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत किया जाएगा। 10 सितंबर को जया अजा एकादशी व्रत किया जाएगा। वहीं 11 सितंबर को गोवत्स द्वादशी ओम द्वादशी रहेगी। 12 सितंबर को प्रदोष का व्रत रहेगा। 13 सितंबर को शिव चतुर्दशी का व्रत रहेगा। 14 सितंबर को कुश ग्रहणी स्नान दान एवं श्राद्ध की अमावस्या रहेगी। 15 सितंबर को स्नान दान अमावस्या ताना पोला अमावस्या रहेगी। 18 सितंबर को हरताली का तीज का व्रत किया जाएगा। वहीं
विनायकी चतुर्थी का व्रत भी इसी दिन होगा। 19 सितंबर को ऋषि पंचमी मनाई जाएगी। 21 सितंबर को मोरियाई छठ संतान साते मनाई जाएगी। 22 सितंबर को दुर्गा षष्ठी और राधाष्टमी मनाई जाएगी। 25 सितंबर को जल झुलनी डोल ग्यारस मनाई जाएगी। 27 सितंबर को प्रदोष का व्रत रहेगा। 28 सितंबर को अनंत चौदश यानी अनंत चतुर्दशी का व्रत किया जाएगा। इसी दिन भगवान श्री गणेश जी का विसर्जन भी किया जाएगा। 29 सितंबर को स्नान दान व्रत की पूर्णिमा रहेगी और इसी दिन से पितृकार्य यानी पितृपक्ष आरंभ हो जाएंगे। 30 सितंबर को पितृपक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी। अब हम आपको अक्टूबर माह के मुख्य व्रत एवं त्यौहार बताने जा रहे हैं। 2 अक्टूबर 2023 को गणेश चतुर्थी का व्रत रहेगा। 6 अक्टूबर को जीवतिया यानी जीवित पुत्री का व्रत किया जाएगा। इसी दिन महालक्ष्मी का व्रत होगा। 10 अक्टूबर को इंद्रा एकादशी रहेगी तथा 12 अक्टूबर को प्रदोष का व्रत रहेगा। इसी दिन शिव चतुर्दशी रहेगी। 14 अक्टूबर को सर्वपित्र मोक्ष अमावस्या रहेगी। इस दिन सभी जाने अनजाने पितरों का श्राद्ध संपन्न होगा। 15 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि आरंभ होगी। इसी दिन नवरात्रि की घट स्थापना होगी जिसे बैठकी भी कहा जाता है। 16 अक्टूबर को चंद्र दर्शन होगा। 18 अक्टूबर को विनायकी चतुर्थी व्रत रहेगा। 19 अक्टूबर को उपांग ललिता व्रत रहेगा। 20 अक्टूबर को सरस्वती आवाहन किया जाएगा। 21 अक्टूबर को सरस्वती पूजा निशा पूजा की जाएगी। 22 अक्टूबर को दुर्गाष्टमी महाअष्टमी कुल देवी का पूजन किया जाएगा। 23 अक्टूबर को दुर्गा नवमी महानवमी एवं जवारे विसर्जन किए जाएंगे। वहीं 24 अक्टूबर को विजयादशमी यानी दशहरे का महापर्व रहेगा। 25 अक्टूबर को पापांकुशा एकादशी का व्रत रहेगा। 26 अक्टूबर को प्रदोष का व्रत रहेगा। 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा कोजागरदी व्रत रहेगा। स्नान दान एवं व्रत की पूर्णिमा इसी दिन रहेगी तथा इस दिन चंद्र ग्रहण भी होगा। चंद्र ग्रहण की विस्तार पूर्वक जानकारी हम आपको अन्य वीडियो में अवश्य ही प्रस्तुत करेंगे। अब हम आपको नवंबर माह के मुख्य व्रत एवं त्योहार बताने जा रहे हैं। 1 नवंबर 2023 को करवा चौथ कर्क चतुर्थी गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाएगा जो कि सौभाग्यवती माताओं बहनों का सबसे बड़ा त्यौहार होता है। 3 नवंबर को स्कंद षष्ठी का व्रत रहेगा। 5 नवंबर को अहोई अष्टमी का व्रत रहेगा। 9 नवंबर को रमा एकादशी रहेगी, गोवत्स द्वादशी भी इसे कहा जाता है। 10 नवंबर को प्रदोष का व्रत रहेगा, इसी दिन धनतेरस मनाई जाएगी। 11 नवंबर को रूप चौदश शिव चतुर्दशी व्रत मनाई जाएगी, इसे छोटी दिवाली दक्षिण दिवाली के नाम से भी जाना जाता है। 12 नवंबर 2023 को दीपावली का महापर्व मनाया जाएगा। महालक्ष्मी का पूजन केदार गौरी व्रत इस दिन किया जाएगा। 13 नवंबर को स्नान दान श्राद्ध की सोमवती अमावस्या रहेगी तथा 14 नवंबर को अन्नकूट गोवर्धन पूजा महोत्सव मनाया जाएगा। इस दिन गो पूजा, गो क्रीड़ा, बलि पूजा, चंद्र दर्शन होगा। 15 नवंबर को भाई दूज रहेगी जिसे यम द्वितीया कहा जाता है। 17 नवंबर को विनायक की चतुर्थी व्रत होगा। 18 नवंबर को पांडव पंचमी होगा। 19 नवंबर को सूर्य षष्ठी व्रत डाला छठ जिसे छठ पूजा के नाम से जाना जाता है। 20 नवंबर को गोपाष्टमी। 21 नवंबर को अक्षय नवमी आंवला नवमी का पर्व रहेगा। 23 नवंबर को देव उठनी देव प्रबोधनी एकादशी का व्रत रहेगा। 24 नवंबर को प्रदोष का व्रत तथा चातुर्मास संपन्न होगा। 26 नवंबर को वैकुंठ चतुर्दशी व्रत की पूर्णिमा रहेगी। 27 नवंबर को स्नान दान कार्तिक की पूर्णिमा रहेगी। 30 नवंबर को गणेश चतुर्थी का व्रत रहेगा। अब हम आपको दिसंबर माह के मुख्य व्रत एवं त्यौहार बताने जा रहे हैं। 5 दिसंबर को काल भैरव अष्टमी रहेगी। 8 दिसंबर को उत्पन्ना एकादशी व्रत रहेगा। 10 दिसंबर को प्रदोष का व्रत रहेगा। 11 दिसंबर को शिव चतुर्दशी रहेगी। 12 दिसंबर को स्नान दान श्राद्ध की अमावस्या रहेगी। वहीं 14 दिसंबर को चंद्र दर्शन होगा। 16 दिसंबर को विनायक की चतुर्थी व्रत रहेगा।
18 दिसंबर को चंपा षष्ठमी बैंगन छठ के रूप में मनाया जाएगा। 19 दिसंबर को नंदा सप्तमी, वहीं 23 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी का महापर्व होगा। वहीं 24 दिसंबर को प्रदोष का व्रत अनंक चतुर्दशी त्रयोदशी का व्रत होगा। 26 दिसंबर को स्नान दान एवं व्रत की पूर्णिमा रहेगी। वहीं इस दिन दत्त पूर्णिमा का व्रत भी बनाया जाएगा। 30 दिसंबर को गणेश चतुर्थी होगा। यदि हम दिगंबर जैन व्रत की बात करें तो 25 दिसंबर को रोहिणी व्रत होगा। श्वेतांबर जैन पर्व की बात करें तो 7 दिसंबर को भगवान महावीर दीक्षा कल्याणक महोत्सव मनाया जाएगा। वहीं 11 एवं 25 दिसंबर को पाक्षिक प्रतिक्रमण होगा। 23 दिसंबर को मौन एकादशी का पर्व मनाया जाएगा और इसे मौन ग्यारस कहा जाता है। 28 दिसंबर को कुमुहूर्ता आरंभ होगा। इस प्रकार हमने आपको वर्ष 2023 के संपूर्ण व्रत एवं त्योहार की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है। जनवरी से लेकर के दिसंबर तक के सभी त्योहारों का विस्तार पूर्वक हमने आपको वर्णन किया है। हालांकि एकादशी व्रत के विषय में या पूर्णिमा व्रत के विषय में भिन्न पंचांगों के भिन्न मत हो सकते हैं, उसकी अलग से जानकारी भी हम आपको प्रदान करेंगे, क्योंकि एकादशी का जो व्रत है वो स्मार्त और वैष्णव परंपरा के अनुसार अलग अलग दिनों में अलग अलग तिथियों में मनाया जाता है। लेकिन मुख्य रूप से जो हमने आपको व्रत एवं त्यौहार बताए हैं, इसी त्योहारों को आप मान करके अपनी कार्य योजना को तैयार कर सकते हैं। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है, इसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकेगी। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।